नमस्कार, मैं वर्षा खड़का आप सबके आर वॉइस न्यूज 24/7 में स्वागत करती हूँ। शनिवार दोपहर को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्तिनगर थाना की पुलिस ने सालूगढ़ा पाइपलाइन इलाके से महिला समेत दो ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के हवाले से छोटे छोटे पैकेट में करीबन 263 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस ने बरामद किया है। रविवार दोनों को NBPS एक्ट में जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। आरोपियों की पहचान पुलिस ने रामजी प्रसाद भगत उम्र 30 और उसकी पत्नी अरुणा राय उम्र 33 के रूप में किया है। दोनों सिक्किम के सिमतान के निवासी बताए जा रहे हैं। भक्तिनगर थाना पुलिस सूत्रों के अनुसार सालूगढ़ा पाइपलाइन इलाके में किराए के मकान पर रहकर दोनों लंबे समय से ड्रग का गैर कानूनी कारोबार चला रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर भक्तिनगर थाना अंतर्गत IC अमरेश सिंह के नेतृत्व में शनिवार दोपहर को पुलिस ने वहां छापेमारी करके सूत्रों के अनुसार ब्राउन शुगर का छोटा छोटा पैकेट तैयार कर आरोपी पति पत्नी नशेड़ियों तक उनका पहुँचाने का काम करते थे। Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.